मीडिया व्हाट एल्स मुझे लगा कि मीडिया ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया। इतनी हाइप खुदा का वास्ता है यार, वो इंसान है वो लोहे के तो नहीं बने हुए। वो फोन पे इंस्टा देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, हर बंदे का मैसेज देखते हैं, कौन क्या कह रहा है। इतनी हाइप के बेचारों को समझ ही नहीं आ रही कि आज जब हिंदुस्तान अंदर गया है, टॉस हारा तो मैं वो सबके मुंह उतर गए थे। तो यार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यार, इतना इंडिया टीम को बड़ा जरूर लाड करें, अपनी कौम आपकी कौम है, लाड करें, मान सम्मान दें, जितना कर सकते उतना करें, बट यू नो इतना प्रेशर ना डालें कि वो इस तरह बिखर जाएं। क्योंकि अब ऑप्शन क्या है जी, अब आपने क्या जवाब देना है इस चीज का यार। सीरियसली कैप वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, दे वर पैनिकिंग टुडे। ना उनसे शॉट लग रही है, ना बल्ले पे बॉल आ रहा है विकेट की वजह से, ना उनकी शॉटें लग रही हैं, ना उनका कोई गेम प्लान लग रहा है, ना उन्होंने ये सोचा यार चलो हम 17 ओवर तक ये खींच के इतना कर लेंगे, चलो हम 140 तक ले जाते हैं, चलो 145 तक ले जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ टोटल को बढ़ा देते हैं। नो प्लान। एंड नाउ विराट कोहली का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो ये कह रहा था कि वी आर नॉट ब्रेव इनफ, वी आर नॉट जस्ट ब्रेव इनफ टू गो आउट देयर टू टेक सम विकेट्स एंड टेक सम रन्स एंड टू टेक सम रिस्क। He was admitting that. It's very nice of this guy, you know, to talk about his shortcomings of his team. You know, it was very sad with the mind. It's like, it's not good for the World Cup. It's not good for, you know, India. You know, मैंने पहले ही आपको कहा था, ये तो फीका पड़ जाएगा World Cup अगर हिंदुस्तान बाहर निकलता है तो। You know, कहाँ हिंदुस्तान being a World Champion now, कि जी हम World Champion हैं, पाकिस्तान को मार देंगे जान से और ये कर देंगे, वो तो all of a sudden that India is exiting now. So you know, see that everything comes to, you know, haunt you. So this is not right. I think कि अभी दुआ करें कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पड़ जाए। अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पड़ गई और हिंदुस्तान 3 मैच जीत गया तो देखें जी कि ये टीम क्रूज थ्रू कर सकती है। इसका ये मतलब नहीं हिंदुस्तान बुरा खेला है, एज एक्सपर्ट हम कह रहे हैं हिंदुस्तान की जो शॉर्टकमिंग थी हम बुरा कह रहे हैं उसको, वो ठीक है। लेकिन व्हाट इफ हिंदुस्तान यहां से क्रूज थ्रू करते और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पड़ जाती। याद रखिए न्यूजीलैंडर स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते। अगर राशिद खान 13वें ओवर से शुरू हो जाए और 20वें ओवर तक बॉलिंग करता रहे तो न्यूजीलैंडर से 125 भी चेज नहीं होना, दैट आई गारंटी यू राइट नाउ। और इसका ये मतलब है कि हिंदुस्तान का टूर्नामेंट खत्म हो गया। अगर हिंदुस्तान यहां से वापसी कर गई तो फिर आपको सीधा ही फाइनल में मिलेंगे ये जी।